सिद्धार्थनगर से इस वक्त की खबर आ रही है। जिले के इटावा कस्बे में हिंदी युवा वहीन द्वारा ही सह भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि हिंदू युवा वहीन के प्रदेश प्रभारी डुमरियागंज के विधायक रघुवेंद्र प्रताप सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम में आपसी एकता बढ़ाने और यहां पर समाज को मजबूत करने तथा कुरीतियों को दूर करने के लिए बहुत जरूरी बताया गया है। साथ ही कार्यकर्ताओं से इसे गांव में आयोजित करने को कहा गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा 65% सीट का चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने कही, इस अवसर पर भाजपा हिंदू वहीन में कार्यकर्ता व क्षेत्र के लोग मजदूर जैसे सभी लोग मौजूद रहे। प्राइम मेकिंग न्यूज शैली के लिए आप देख सकते हैं खास रिपोर्ट। भारत नेपाल की सीमा एक दूसरे के साथ 1475 किलोमीटर तक मिलती है, जो उत्तराखंड से शुरू होकर के टनकपुर से लेके और बिहार के रक्सौल तक जाती है। आज उसी सशस्त्र सीमा बल के 43वीं वाहिनी के द्वारा इस सिद्धार्थनगर में बजहा में जो इस सीमा पे रहने वाले गांव के नागरिक हैं उनके बच्चों और नागरिकों के बीच में सशस्त्र सीमा बल के साथ एक लगातार संवाद भी स्थापित रहे। जैसा सीमा की सुरक्षा में है उनका एक विंग इसी काम को करता है, और उसमें जिस तरह से आपने देखा कि एक तमाम खेल के इवेंट्स क्रिकेट के स्पोर्ट्स के और किए गए, उस पर बड़ी संख्या के जो सीमा के किनारे के गांव हैं, चाहे वो खुनवा के हों, बजहा के हों और चाहे ककरहवा के पास के हों, अलीगढ़वा के हों, तो ये सब उन गांव के बच्चों का स्पोर्ट्स और गेम कराने का काम SSB की यहाँ की 43वीं वाहिनी के लोगों ने किया। हमारे अमित सिंह जी सेकंड इन कमांड हैं। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।